हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया इनबॉक्स चैनल। और मेरा नाम है दक्षेश और आज हम देखेंगे 20 जून 2017 का करंट अफेयर्स। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल इंडिया इनबॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के मार्फत मिल जाएगा। इसलिए पहले हमारे चैनल इंडिया इनबॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, इस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक 20 जून 2017 का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसने यूनाइटेड किंगडम में जूनियर शतरंज कांस्य पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है मिस अहाना, वो भारत की रहने वाली है और मिस अहाना ने यूके में ब्रॉन्ज मेडल जीता है चेस में। कौन सी भारतीय कौन सी कंपनी ने गोला बारूद का निर्माण करने के लिए सर्बिया के यूगो इम्पोर्टेंट के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका आंसर है रिलायंस डिफेंस। रिलायंस डिफेंस ने गोला बारूद का निर्माण करने के लिए सर्बिया की यूगो इम्पोर्टेंट के साथ पार्टनरशिप की है। कौन से राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बिहार के राज्यपाल, बिहार के गवर्नर ने अभी इस्तीफा दिया है। बिहार के गवर्नर है रामनाथ कोविंद, जिनको अभी भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के तौर पे अभी काम कर रहे थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ईरानी पहलवान जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में कितने पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है सात पदक जीता है और ईरानी रेसलर है, जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में 7 पदक जीते। कौन से देश ने साल 2045 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिज्ञा ली है? तो दोस्तों इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने 2045 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिज्ञा ली है। भारत में कौन से राज्य को वेदांत ग्रुप द्वारा संयुक्त उपक्रम से विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है झारखंड। झारखंड है ये भारत की ईस्ट साइड में आया है और वहां पे आदिवासी एरिया बहुत ज्यादा है और इसको वेदांत ग्रुप द्वारा संयुक्त उपक्रम से, गवर्नमेंट और वेदांत ग्रुप के संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। कितने दिवस मंगल ग्रह पृथ्वी ऑर्बिटर मिशन की कक्षा में था? तो इसका आंसर है 1000 दिवस। 1000 दिवस ऑर्बिटर मिशन की कक्षा में था मंगल ग्रह। कौन सी योजना केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। पीयूष गोयल जो है वो भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, जिन्होंने ये योजना लॉन्च की शुरू की है और जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और ऊर्जा मंत्री है पीयूष गोयल। किस देश ने 1 जुलाई से भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा आवेदनों की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने अभी घोषणा की है कि 1 जुलाई से भारतीयों को ऑनलाइन वीजा आवेदन कर सकते हैं। यार इस दिन को दुनिया भर में 20 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे और इसका आयोजन करता है यूएन, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसका आयोजन करता है और इसको 20 जून को मनाया जाता है। कौन सा देश हाल ही में जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता? तो दोस्तों इसका आंसर है ईरान। ईरान अभी जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। किसने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण बिल्डिंग कोड 2017 का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका आंसर है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल, जिन्होंने अभी अभी इसका शुभारंभ किया, जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण योजना की कोड 2017। कौन सी स्टील प्लांट कंपनी ने झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम भूम जिले के मनोहरपुर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की है?
तो दोस्तों इसका आंसर है वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप ने झारखंड में ये संयंत्र की स्थापना की है। किसके साथ लॉकहीड मार्टिन ने भारत में F-16 लड़ाकू जेट बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है टाटा सिस्टम कंपनी, जिन्होंने लॉकहीड मार्टिन के साथ भारत में F-16 लड़ाकू जेट बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने पदक भारतीय वुशु टीम को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जो कि वो ब्रिक्स समूह के देश है, इसमें भारत को किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है छः पदक भारतीय वुशु टीम को मिले हैं और ये आयोजन ब्रिक्स देश है वो करते हैं। कौन से एप्लीकेशन को भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है मोबाइल ऐप सेलिब्रेटिंग योगा नाम है इसका। इसको भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, शुरू किया गया है और इसका लॉन्च आयुष मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने मोबाइल ऐप सेलिब्रेटिंग योगा का लॉन्चिंग किया है। कौन से मिशन ने ऑर्बिट में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो दोस्तों उसका आंसर है मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM और ऑर्बिट में MOM ने 1000 दिन पूरे किए। कौन गुड्स एंड सर्विस GST को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के लिए एम्बेसडर है? तो दोस्तों इसका आंसर है श्री अमिताभ बच्चन, जो कि वो GST गुड एंड सर्विस टैक्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के एम्बेसडर है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया इनबॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम हर दिन एक वीडियो बनाते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड। आपकी स्टडी में ये वीडियो यूजफुल रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 21 जून 2017 को। जय हिंद, वंदे मातरम।